हेलो एवरीवन, मैं गिरीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EduTap पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेल का दूसरा टॉपिक। आपने आई होप आपने सेल की पहली वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने आपको सेल के डिफरेंट टाइप्स बताए थे और साथ ही में मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है और सेल किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। जैसे हमारी वॉल्स होती हैं, वॉल्स में क्या होता है, जैसे दीवारें होती हैं ना, उस पर ब्रिक्स लगी होती हैं, ईंटें लगी होती हैं, ईंटें एक के बाद दूसरी ईंट जोड़कर ही क्या बनती है, एक के ऊपर एक ईंट रख के क्या बनती है, एक दीवार बनती है। तो जैसे हम दीवार को अगर देखें तो हम आइडिया नहीं लगा सकते कि ये किस मटेरियल से बनी है या क्या है। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ है, हमारी बॉडी जो एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है, हमारा जो शरीर है वो किससे बना है, बहुत सारे सेल से मिलकर एक शरीर बना है। कोई भी लिविंग बीइंग है इस दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर, वो किन चीजों से मिलकर बना है, वो बना है सेल से मिलकर। बात समझ में आई? तो यही बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर सेल में आपसे की थी, आपको मैंने इन सभी चीजों के बारे में बताया था। अगर आपको याद होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे छोटा सेल कौन सा था। सबसे छोटा सेल था माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा सेल कौन सा था, दैट इज ऑस्ट्रिच एग। और सबसे लंबा सेल जो लेंथ में लंबा था वो कौन सा था, नर्व सेल। बात समझ में आई? तो हमने ये सब बातें उधर की थी। हमने एक और चीज मैंने आपको बताई थी अमीबा के बारे में। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही कोशिका है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम उसे लिविंग कब कहेंगे, जब वो अपने सारे फंक्शन एक ही सेल के अंदर करेगा, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिवीजन, ठीक है, अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाना, तो ये सब काम वो अगर करते हैं तो वो एक लिविंग बींग में आ जाते हैं। क्लियर हुई बात? आज हम सेल का डायग्राम पढ़ेंगे और सेल के बारे में सारी जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर? तो सेल क्या है, एक छोटी कोशिका है, ठीक है। आप कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, या आपको हमसे किसी भी तरह का सजेशन, आपको हमें किसी भी तरह का सजेशन देना हो, कुछ भी आपको क्वेरीज हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8146207241। क्लियर? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको सेल के बारे में सब कुछ समझ आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सुझाव, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज इसे शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिए सो दैट वो भी सेल को समझ पाए, अच्छे तरीके से सेल को समझ पाए और आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। क्लियर? और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, EduTap के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई नया टॉपिक जैसे आपको अगली बार पढ़ाऊंगा तो आप उसे देख सकें, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर? तो चलिए अब शुरू करते हैं सेल। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, इसी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आएगी। यहां पर कुछ ऐसी मैं टर्म्स यूज करूंगा या मैं कुछ ऐसे शब्द यहां पर यूज करूंगा जो मैं उधर आपको बता चुका हूं और मैं उन्हें यहां पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। क्लियर? तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखिए, सेल की पहली वीडियो, वहां पर मैंने आपको सेल के बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, फिर आकर आप ये वीडियो जरूर देखिए। क्लियर? तो आप लोग मेरे साथ सेल का डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल नहीं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं एक सिंपल सेल। एक सिंपल सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, देखिए, एक सेल एक बहुत छोटी यूनिट है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इस कोशिका के अंदर। देखिए, हम बनाना शुरू करते हैं तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो मान लीजिए ये एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना सेल का, तो मैंने ये एक डायग्राम इधर कंपार्टमेंट एक ड्रॉ कर लिया। क्लियर?
क्लियर। तो सबसे बाहर इस कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होगा, सबसे बाहर देखिए, सबसे बाहर वाली साइड पे जो चीज प्रेजेंट होती है वो होती है सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। तो आप घर होता है ना, एक घर कंपार्टमेंट है, तो उसके बाहर क्या प्रेजेंट है? वॉल। मुझे एक बात बताइए, वॉल का काम क्या होगा? देखिए वॉल का काम होगा प्रोटेक्ट करना। क्या काम होगा? प्रोटेक्ट करना। तो इसका सबसे पहले जो काम है वो क्या है? प्रोटेक्ट करना। क्लियर। इसकी पूरे सेल की रक्षा करना किसी भी बाहर फॉरेन पार्टिकल से, कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आता है तो उससे सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? सेल वॉल। क्लियर। सेल वॉल का दूसरा काम क्या है? शेप प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? शेप। शेप कैसे प्रोवाइड करेगी सेल वॉल? देखिए हमारे घर के बाहर जो बाउंड्री है वही तो हमारे घर की बाउंड्री बताती है ना, हमारे घर की शेप बताती है पूरा, हमारी जो वॉल्स बनी होती है उसी से ही शेप होती है। तो सेम यहां पर सेल वॉल भी क्या करेगी? दूसरा काम सेल वॉल का होगा शेप प्रोवाइड करना इस सेल को। बात समझ में आई? अब तीसरा काम जो सेल वॉल का होगा वो क्या करेगा? सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है सेल वॉल की, ये ना कुछ अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। जैसे कि सबसे पहली बात, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। तो प्लांट सेल में ये किस चीज की बनी होगी? ये बनी होगी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड से क्या मतलब है? मोनोसेकेराइड क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज समझते हो आप लोग? ग्लूकोज एक सबसे छोटी यूनिट है जो कहां बनती है? फोटोसिंथेसिस में। किस में? प्लांट्स में या कुछ और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियास। क्लियर। तो वहां पे क्या बनती है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को जोड़ जोड़ कर क्या बनते हैं? सेलुलोज बनते हैं। उसकी वॉल बनी होती है किसमें? प्लांट सेल में। बात समझ में आई? तो जो पौधों में जो पत्तियां होती है ना उनमें सेल्स होते हैं, या जो पूरा पौधे में जितने भी सेल्स हैं, एक प्लांट में जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, सबकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। क्लियर। दूसरी बात, हम लोग इसीलिए प्लांट को नहीं खा सकते, मैंने आपसे शायद पिछले लेक्चर में भी ये बात की थी सेल के, जिसमें मैंने कहा था कि हम लोग प्लांट में ऐसे चढ़कर पत्तियां वत्तियां नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज, जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और अगर हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो फिर हम उससे ग्लूकोज नहीं ले सकते। क्यों नहीं डाइजेस्ट करते? क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आई? तो इसीलिए कौन इन्हें खाते हैं प्लांट्स को? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डाइजेस्टिव में बताया है रूमिनेंट्स के बारे में, जो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं। क्लियर। तो प्लांट सेल में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है। अब इसके अंदर वाली साइड क्या प्रेजेंट होता है? तो सेल वॉल के अंदर जो प्रेजेंट होती है एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? देखिए सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? सेल वॉल को तो फिर भी कोई ना कोई इन्वेड कर जाएगा, मतलब सेल वॉल को पार कर सकता है कोई कोई भी जीव जंतु, या कोई भी हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? सेल वॉल को पार कर लिया। क्लियर। लेकिन जो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको ये सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी। ये सेल मेम्ब्रेन जिसको अलाउ नहीं करेगी वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए इसका नाम क्या है? सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली मीन्स सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सिलेक्टेड पार्टिकल्स, जो भी जिस भी चीज ने सेल के अंदर जाना है, चाहे वो कोई भी हो। तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन वहां पर एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो क्या करेगा? रोकेगा उन्हें। कैसे रोकेगा?
इसके स्ट्रक्चर से। अब इसका स्ट्रक्चर किस चीज का बना होता है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना होता है प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड्स। किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड, ठीक है। प्रोटीन आप सभी को पता है, प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। एंड फॉस्फोलिपिड्स क्या है? एक फैट मॉलिक्यूल है। लिपिड्स क्या है? एक फैट मॉलिक्यूल है। बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। सबसे मिडल में क्या प्रेजेंट होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसके मिडल में जो प्रेजेंट होता है उसका नाम है, क्या प्रेजेंट होता है सेल के मिडल में? न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल या सिंपली परमिएबल? सिंपली परमिएबल का मतलब क्या है? सिंपली परमिएबल का मतलब है किसी भी चीज को अलाउ कर देना, बट सेलेक्टिवली मींस सिलेक्टेड पार्टिकल्स। तो आंसर क्या होगा? सेलेक्टिवली परमिएबल। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन्ड है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन्ड है। और इस डबल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर पोर्स। तो ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स क्यों होते हैं? किसी भी पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर और अंदर ले जाने के लिए। क्लियर। अब न्यूक्लियस से पहले थोड़ा सा हम इसके बाहर के स्ट्रक्चर में भी जान लेते हैं, फिर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। और सेल की डिस्कवरी किसने की थी? आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कब की थी? 1665। बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं, इधर पूरे हर जगह पर क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। इस पूरे कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। पूरे कंपार्टमेंट में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम है? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हुआ? अब प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है वो इस न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है। आप जितना खाली पार्ट देख रहे हैं ना बाहर, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है वो? साइटोप्लाज्म। तो मैं साइटोप्लाज्म को ऐसे डिनोट कर दूंगा। और जो न्यूक्लियस के अंदर मटीरियल है, जेली लाइक सब्सटेंस है, वो क्या है? That is न्यूक्लियोप्लाज्म। वो उसे हम क्या नाम कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। बात समझ में आई? तो न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट। क्लियर। तो पूरे सेल के अंदर क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब इस न्यूक्लियस के मिडल में क्या प्रेजेंट है? तो देखिए, न्यूक्लियस के मिडल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के मिडल में प्रेजेंट होता है डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आई? किसने होता क्या है डीएनए? इट इज जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स किसे पास ऑन करते हैं? अपने ऑफस्प्रिंग को, मतलब अपने बच्चों को। तो बच्चे पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए। बात समझ में आई? डीएनए किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन। एंड डिस्कवर इन द सेंस डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, ठीक है? वॉटसन एंड क्रिक। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। बात समझ आई? होता कैसा है डीएनए का स्ट्रक्चर? तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स। देखिए यहां पर कैसे होता है डबल हेलिक्स। अगर मैं इस डबल हेलिक्स को खोल दूं इन द सेंस मैं इसे अनकॉइल कर दूं, तो ये कैसा हो जाएगा? ये बिल्कुल दो सीधे स्ट्रैंड हो जाएंगे, ऐसा दिखेगा ना। इसे मैं अनकॉइल कर दूं तो ये ऐसा दिखेगा, और
इसके बीच जो बॉन्ड्स दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, इसके बीच कैसे बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से ट्रिपल बॉन्ड, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड दो बार भी हो लगातार, डबल बॉन्ड कितनी बार हो सकते हैं, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्लियर? तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की एक शेप दिखेगी, इस शेप को नाम दिया गया है लैडर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? लैडर लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ आई? सो डीएनए का आपको शेप पता चल गया, डायग्राम पता चल गया और किसने इसे इसका स्ट्रक्चर दिया था वो आपको पता चल गया। बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए के बाद कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्लियर? अब इस सेल को जिंदा रखने में कौन इसकी हेल्प करेगा? देखिए हम लोग अगर हम खुद को कहें कि हम लोग जिंदा हैं, तो हम लोग जिंदा कैसे हैं? हमारे पास हार्ट है जो लगातार ब्लड पंप कर रहा है, हमारे पास किडनी है जो लगातार ब्लड को फिल्टर कर रही है। क्लियर? हमारे पास लंग्स हैं जो हमेशा एयर का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो ये सारी चीजें हैं इन्हें कहा जाता है ऑर्गन। लेकिन सेल के पास ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स। तो ये याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो सेल के बारे में है, ये तो चीजें इंपॉर्टेंट है ही, इन चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, शायद डीएनए का अगर स्ट्रक्चर किसने दिया डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ऑर्गेनेल में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी लोगों ने बनाना है डायग्राम और ध्यान से देखना भी है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात फंक्शन क्या है हर ऑर्गेनेल का। बात समझ में आई? तो चलिए पहला ऑर्गेनेल बनाते हैं। पहला ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपने नाम जरूर सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का पहले भी। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन्ड। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन तो ठीक है, अंदर वाली कैसी होगी? इनफोल्डेड। देखो अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसे है? इनफोल्डेड। बात समझ में आई? तो ये क्या क्या कौन सा डायग्राम है ये? इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों कहा जाता है इसे? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर क्या बनती है? पावर हाउस होता है, वहां पर क्या बनेगा? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बनती है यहां पर? एनर्जी बनती है। तो जैसे मैं अभी बात कर पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी काम, इवन अगर हम सांस भी लेते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की। तो यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती है एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। बात समझ आई सबको? तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसकी क्या है? फुल फॉर्म। क्लियर? तो एनर्जी ये है क्या? एटीपी। इट इज एनर्जी करेंसी। आप दुकान में जाते हैं, आप दुकान में कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए। तो यहां पर भी क्या है? एटीपी ऐसे ही है। मुझे बात करनी है, मुझे क्या खर्च करना पड़ेगा? एटीपी। तो मेरे सेल को वो बनाना भी तो पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये काम कौन करता है? हमारे अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। और हर सेल, बिलियन ऑफ सेल से हम बने हैं, और हर सेल के पास अपने बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्लियर हुई सबको बात? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी जनरेट करना, और इसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारे पास आता है और वो है प्लास्टिड। कौन सा है? प्लास्टिड। ये भी कैसा होता है? ये भी होता है डबल मेम्ब्रेन्ड। तो देखिए सेल के अंदर दो ही ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो डबल मेम्ब्रेन्ड है। पहला आपने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है
प्लास्टिड। क्लियर। तो प्लास्टिड को एक और नाम से जाना जाता है, वो है किचन ऑफ द सेल। सो किचन ऑफ द सेल इसे क्यों कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहां पर क्या बनता है? खाना बनता है। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी यहां पर आपको समझ आ जानी चाहिए और थोड़ी सी कॉमन सेंस हम यहां पर यूज करेंगे कि देखिए प्लास्टिड अगर खाना खुद बनाता है और हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो क्या प्लास्टिड हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल में। तो सबसे पहली बात, ये जो प्लास्टिड है ये ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल और कुछ जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बैक्टीरिया उनमें प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो देखिए ये डबल मेम्ब्रेन है, वो भी डबल मेम्ब्रेन था, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर करते क्या है और ये होते क्या है, अभी देखते हैं जरा इन्हें। तो जो ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनका नाम है थायलेकोइड। थायलेकोइड क्या नाम है? थायलेकोइड। क्लियर। तो ये पूरा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? इस पूरे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का नाम है ग्रैनम या ग्रैना। क्या कहेंगे? ग्रैना, थायलेकोइड। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये जो ब्लैक डॉट्स में मैंने आपको दिखाए दोज आर क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल की। तो इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। बात समझ में आई? तो क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या करेंगे? ये एनर्जी किचन ऑफ द सेल है, ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो ये खाने में क्या बनाते हैं? ये निर्माण करते हैं ग्लूकोज का और साथ में ऑक्सीजन भी देते हैं। इसलिए कहा जाता है पेड़ ज्यादा ज्यादा हमें उगाने चाहिए। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें उसकी जगह 10 पेड़ और लगाने चाहिए। क्लियर। चले तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारे पास आता है और वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। यहां पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। चलिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसे प्रेजेंट है? प्लेट्स में प्रेजेंट है, जैसे कोई प्लेट्स रखी हो एक दूसरे के ऊपर। बात समझ आई? तो ये प्लेट्स में प्रेजेंट है और ये दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज ऑफ टू टाइप्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, मान लीजिए इस वाले पार्ट पर क्या लगे हैं? कुछ राइबोसोम अटैच्ड हैं। क्या अटैच्ड है? राइबोसोम अटैच्ड है और उधर राइबोसोम अटैच्ड नहीं है। तो जहां पर अटैच्ड नहीं है उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जहां पर है उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सा काम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं? वेसिकल्स। क्या होते हैं? वेसिकल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन? मैं आपको इस ऑर्गेनेल के बाद बताऊंगा। तो अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इतना ही रखेंगे, फिर मैं इसका एक और फंक्शन आपको बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। तो अब राइबोसोम क्या होता है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, नोट डाउन कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो राइबोसोम क्या होता क्या है ये? तो हम राइबोसोम बनाते हैं। इधर राइबोसोम होता है इस तरह का एक स्ट्रक्चर सेल के अंदर। तो देखिए ये कैसा है, ये है राइबोसोम। क्या कहेंगे इसे? राइबोसोम।
जोम। राइबोसोम का दूसरा नाम होता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो प्रोटीन फैक्ट्री क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है, या ये किस चीज को बनाने में हेल्प करता है? अंदर नहीं बनती है, ये हेल्प करता है क्या चीज बनाने में? प्रोटीन बनाने में। बात समझ में आई? तो राइबोसोम किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन। क्लियर? तो राइबोसोम दो तरह का होता है, ध्यान देंगे। राइबोसोम कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा? 70S और 80S। कितने तरह का है? 70S और 80S। 70S प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और 80S प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। और अगर आपको ये नहीं पता तो आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में आपको विस्तार से समझाया है। क्लियर? तो ये दो तरह का होता है, 70S और 80S। 70S फिर से डिवाइड होता है 50S और 30S। 80S भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, 60S और 40S। बात समझ में आई? अब ये चीजें है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल है तो ये कौन सा राइबोसोम होगा? ये होगा 80S राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम होगा? 80S राइबोसोम। तो जिसमें ये वाली यूनिट होगी 60S और ये वाली होगी 40S। बात क्लियर हुई? क्या कहा मैंने? 70S और 80S दो तरह का राइबोसोम होता है, ये प्रोकैरियोट्स में और ये यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में 50S और 30S का होता है और 80S यूकैरियोट्स में 60 और 40S का होता है। अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो ये कौन सा राइबोसोम होना चाहिए? 80S, और इसके दो पार्ट 60 और 40S ऐसे होंगे। बात समझ में आई? तो ये किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होगा। क्लियर? एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सेवर्ड बर्ग यूनिट। क्या मतलब है? सेवर्ड बर्ग यूनिट। तो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में हर चीज नोट करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है राइबोसोम के फंक्शन पे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइबोसोम को और किस नाम से जाना जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से, या प्लास्टिड को और किस नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए, राइबोसोम ने प्रोटीन फैक्ट्री, अगर हम इसे कहेंगे, तो प्रोटीन कहां जाकर बनाएगा? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वेसिकल्स की इसकी बात की थी, ये यहां पर जब बैठा होगा तो यहां पर प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आई? तो इसकी हेल्प, इसको हेल्प चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वैक्यूल। सो नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारा है वैक्यूल। सो देखिए, वैक्यूल जो है ये बहुत ही एक अनोखे तरह का ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसका फंक्शन स्पेसिफिक नहीं है। हमारे सेल में एनिमल्स, या बोल सकते हो हम जितने भी एनिमल्स में आते हैं, इनके सेल में जो वैक्यूल होता है ना, उसका फंक्शन गार्बेज कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है? गार्बेज। गार्बेज मतलब सारा जितना भी कूड़ा करकट, इतना ये सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, वो सब कौन कलेक्ट करेगा? वैक्यूल। लेकिन इन सम अदर केसेस, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स के पास जो वैक्यूल, अभी आप देख रहे हो ये पूरा सेल है, तो मैं मान के चल रहा हूं, मान लीजिए ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो बहुत छोटा सा है, एक कोने में भी आ गया। लेकिन अगर मैं इसी को प्लांट सेल मान के चलता हूं तो ये डायग्राम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल इतना छोटा नहीं होता। मान लीजिए मैं यहां पे प्लांट सेल बनाता हूं, ठीक है? तो यहां पे अगर मैंने प्लांट सेल बनाया तो इसके अंदर का वैक्यूल तकरीबन इसका 90% एरिया कवर करेगा, मतलब वो इतना बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर होगा। अब देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर को, प्लांट सेल के अंदर इतना बड़ा वैक्यूल होगा। क्लियर? तो वो क्यों होगा? क्योंकि जो प्लांट सेल होता है वो
वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसे मतलब उसका सारा जो काम है वाटर से रिलेटेड वो काम कौन करता है, सेल कर वैक्यूल करता है। तो वो जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो टर्जिड हो जाएगा और जब वो उसे छोड़ेगा तो वो फ्लैसिड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो उससे क्या होगा, ये हेल्प करता है प्लांट सेल की उसको टर्जिड रखने में और फ्लैसिड करने में, क्लियर। और कुछ केसेस में वैक्यूल फूड को भी स्टोर करेगा, उस टाइम पे वैक्यूल का नाम होगा फूड वैक्यूल। बात समझ आई? तो वैक्यूल के बाहर जो लेयर है, ये ग्रीन वाली लेयर जो आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट। बात क्लियर हुई सबको? चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ अब बढ़ते हैं जो कि है लाइसोजोम। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल कौन सा है, लाइसोजोम। तो लाइसोजोम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसे एक और नाम से बुलाया जाता है, लाइसोजोम को एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, लाइसोजोम। इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ही सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है या उसे मार देता है। कैसे करेगा ये सब, देखिए जब भी सेल गलत तरीके से फंक्शन शुरू कर दे या कभी वो डिस्ट्रप्टिव फंक्शन शुरू कर दे, मतलब मान लीजिए सेल का काम मेरे लिए कोई एंजाइम बनाना था, लेकिन सेल का काम कोई एंजाइम, सेल के अंदर कोई मशीनरी है जो मेरे लिए एंजाइम बनाती है, लेकिन वो मशीनरी खराब हो चुकी है, तो उस टाइम पे सेल कैसा परफॉर्म करेगा, खराब परफॉर्मेंस होगी सेल की, मतलब वो कुछ और ही बनाना शुरू कर देगा जिससे मेरी बॉडी डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। उस केस में ये लाइसोजोम क्या करता है, अपने ही सेल को खत्म कर देता है, खराब सेल को मार देता है, सो दैट वो ये काम ना कर सके। बात समझ में आई? तो उस टाइम पे इसे कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो इसके पास एंजाइम्स होते हैं खुद के सेल को खत्म करने के लिए, उन्हें कहा जाता है लाइटिक एंजाइम्स। क्या कहा जाता है, लाइटिक एंजाइम्स। बात समझ में आई, क्लियर। तो हमने कौन कौन से ऑर्गेनेल पढ़े अभी तक, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोजोम। नेक्स्ट आता है गोल्जियाए बॉडीज। नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनेल आता है, गोल्जियाए बॉडीज। देखिए डायग्राम बनाइए आप लोग भी और नोट डाउन कीजिए गोल्जियाए बॉडीज के डायग्राम को। तो गोल्जियाए बॉडीज कैसा है, इसकी तरह ही है देखने में, जिसमें वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं गोल्जियाए बॉडीज में भी, वेसिकल्स होते हैं। तो अब देखिए गोल्जियाए बॉडीज काम क्या करती है, इसका नाम क्या है, गोल्जियाए बॉडीज। काम क्या है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप घर गए तो क्या आपने जाते ही, आपको भूख लगी है तो क्या आपने जाते ही आटे की बोरी से खाना शुरू कर दिया, जो भी आटा रखा था उसे चम्मच से खाना, या चावल है तो उसे चावल को खाना शुरू कर दिया, नहीं। आप क्या करेंगे, आप उन आटे को क्या करेंगे, सबसे पहले गूंथेंगे और उसके बाद उसकी चपाती बनाएंगे, या फिर चावल को पहले पानी में डालकर उसे बनाएंगे तभी आप खाएंगे। यहां पर क्या है, राइबोसोम ने यहां पर आकर प्रोटीन बना दी, लेकिन वो प्रोटीन उस शेप में नहीं है, उस पैकेजिंग मटेरियल में नहीं है, या उस फॉर्म में नहीं है कि हम उसे एब्जॉर्ब कर सकें। बात समझ आ रही है, या हम उसे यूज कर सकें। तो उसको उस लायक बनाने के लिए, यूज करने के लिए प्रोटीन को कौन तैयार करेगा, गोल्जियाए बॉडीज, और उस तक कौन लेकर जाएगा, वेसिकल्स। क्या लेकर जाएंगे, प्रोटीन, और उसे कौन तैयार करेगा फिर, गोल्जियाए बॉडीज। बात समझ में आ रही है। एक और इंपॉर्टेंट काम होता है गोल्जियाए बॉडीज का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम कहां पर होता है, स्पर्म के हेड पे। कहां पर होता है एक्रोसोम, स्पर्म का जो हेड होता है ना उस पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। तो उस एक्रोसोम को भी कौन बनाती है, गोल्जियाए बॉडीज।
नंबर तीन, नोट डाउन करने हैं आपने सारे फंक्शन। गोल्जियाई बॉडीज को एक और नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, क्या नाम से? डिक्टियोसोम। और गोल्जियाई बॉडी को डिक्टियोसोम जो बुलाया जाता है, वो बुलाया जाता है प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में गोल्जियाई बॉडीज नहीं होती हैं, उनमें क्या होता है? डिक्टियोसोम। तो गोल्जियाई बॉडी का ही, ये गोल्जियाई बॉडी की तरह ही काम करेगा, लेकिन होगा क्या? डिक्टियोसोम। बात समझ में आई? अब आता है लास्ट ऑर्गेनेले। लास्ट ऑर्गेनेले जो किस कहां पर प्रेजेंट है, जो सेल में प्रेजेंट है, तो ये ऑर्गेनेले का नाम है सेंट्रियोल। क्या नाम है? सेंट्रियोल। तो देखिए ये कैसी शेप का होगा, ये डमरू जैसी एक शेप का होता है और दो यूनिट से बना होता है, मतलब एक ऐसा और इसकी तरफ, दूसरा नीचे वाली तरफ को। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले है ये भी सेल के लिए। क्यों? क्योंकि अगर सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो भागों में इसे बंटना है, या हम बोल सकते हैं अगर सेल डिवीजन हो रही है तो कौन सा ऑर्गेनेले हेल्प करेगा? सेंट्रियोल। बात समझ में आई सबको? तो कौन सा ऑर्गेनेले, क्या नाम है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का काम क्या है? सेल डिवीजन। क्या काम है? सेल डिवीजन। बात समझ में आई? तो सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रियोल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट जाएगा ऊपर वाली साइड, एक जाएगा नीचे वाली साइड। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ऊपर और नीचे वाली साइड, क्या बोलेंगे? एक जाएगा नॉर्थ पोल, एक जाएगा साउथ पोल। बात समझ में आई? तो हम बोलेंगे दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, और फिर इससे क्या निकलेंगी? एस्टर रेस, फिर निकलेंगे स्पिंडल फाइबर, और फिर ये क्रोमोसोम को अलग कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या निकलेंगे? सेंट्रियोल से निकलेंगे एस्टर रेस और स्पिंडल फाइबर, जिससे ये क्या करेगा? पूरे के पूरे सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। बात समझ में आई? तो देखिए अब जल्दी से हम सम अप करते हैं इसको। तो हम सम अप कैसे करेंगे? हमने सेल की सेल वॉल पढ़ी, सेल वॉल हमने पढ़ा कि प्लांट सेल में बनी होती है सेलुलोज की, बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन की। तो बैक्टीरिया का भी याद ही रख लेंगे आप लोग, बैक्टीरिया में किस चीज की बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन। किसमें होती है? बैक्टीरिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेल वॉल की। तो जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया में किस चीज की होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर? और फंजाई जो फंगस होती है, ठीक है, जो हमारे ब्रेड वगैरह पे लग जाती है ग्रीन ग्रीन, या मशरूम जैसे फंगस है। क्लियर? मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है? अगेरिकस कंपेस्ट्रिस। तो जैसे फंगस है उस पर भी क्या है? सेल वॉल किस चीज की बनी है? काइटिन, ठीक है, काइटिन सेलुलोज इनकी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पढ़ा हमने सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल, जो क्या करती है? कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को एंटर होने देगी। किसकी बनी है? प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड। थर्ड हमने पढ़ा ऑर्गेनेले माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका जो फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी किस फॉर्म में है? एटीपी की फॉर्म में। फिर हमने पढ़ा प्लास्टिड। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन जैसा माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड में क्या प्रेजेंट है? थायलाकोइड ग्रेना। और बीच में जो ये रेड कलर के हैं, इनका नाम है लैमिले। क्या नाम है? लैमिले। लैमिले से जॉइंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, जो किस चीज में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिसमें क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो आप यहां पर प्लस ऑक्सीजन भी लिख लेंगे। क्लियर? फिर हमने पढ़ा राइबोसोम। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70 और 80s, 70 प्रोकैरियोट्स, 80 यूकैरियोट्स। दो तरह का 70s, 50 और 30s, 80s, 60 और 40s। अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो 80s का राइबोसोम है 60s अपर यूनिट्स, 40s लोअर यूनिट। किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसे कहा जाता है, मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर? नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मींस राइबोसोम प्रेजेंट है, स्मूथ मींस राइबोसोम एब्सेंट है। क्लियर? गोल्जी बॉडी पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स को
पैकेट करेगा, आई मीन उन्हें तैयार करेगा सो दैट हम उन्हें यूज कर सकें. लाइसोजोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल जो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देगा. क्लियर. वैक्यूल जो क्या करेगा, गार्बेज कलेक्ट करेगा इस पूरे सेल का. किसी प्लांट सेल में जैसे वाटर कलेक्ट करेगा, तो प्लांट सेल में बाहर से क्या आता है, वाटर. क्लियर, बात समझ में आई. तो कुछ सेल्स में क्या करता है, फूड वैक्यूल की तरह काम करता है, मतलब फूड भी स्टोर कर सकता है. सेल डिवीजन में कौन हेल्प करेगा, सेंट्रियोल. ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और फिर ये एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर बनाकर इस सेल को अलग कर देंगे. बात समझ आई, आई होप आपको सेल समझ आया होगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी क्वेरीज पूछिए, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे. थैंक यू सो मच.